पीटी यूनिफॉर्म में ग्राउंड पर आकर जमा हो गए। अरे बाप रे, आज पीटी पीरियड है, पीटी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और ये सर भी काफी स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। सही कहा गट्टू, ये सर स्ट्रिक्ट लग रहे नहीं, स्ट्रिक्ट ही है। देखा नहीं किस तरह से बात कर रहे थे, मुझे तो पीटी पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानती हूँ आज का पीटी पीरियड बहुत थकान भरा होने वाला है, कितना अच्छा था जब पीटी टीचर ही नहीं थे। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज सर दर्द का बहाना कर लूंगा ताकि मुझे धूप में खड़े रहकर पीटी ना करनी पड़े। गट्टू ऐसा मत करो, सभी थोड़ी ना सर दर्द का बहाना कर सकते हैं। पीटी टीचर के ग्राउंड पर आते ही बच्चों में बातचीत बंद हो गई। ठीक है बच्चों, हम हमारा पीटी पीरियड शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले इंस्ट्रक्शन समझ लो। आज पहला दिन है तो मैं तुम सबको खुद करके दिखाऊंगा। पीटी टीचर अपने साथ एक ट्रेनर को लेकर आए थे जो ड्रम बजाकर इंस्ट्रक्ट कर सके। सावधान, और सभी बच्चे सावधान होकर खड़े हो गए। विश्राम, और सभी बच्चे विश्राम होकर खड़े हो गए। सावधान। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ट्रेनर ने ड्रम बजाना शुरू किया। टीचर ने पीटी का फर्स्ट पार्ट शुरू किया। ड्रम के बीट पर पीटी टीचर एक एक कसरत करने लगे। हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर, हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। पीटी का एक राउंड कंप्लीट होने पर पीटी टीचर ने ट्रेनर को ड्रम रोकने के लिए कहा। अब हम पीटी की अहम कसरत करेंगे, सावधान, विश्राम, सावधान। अच्छा तो अब सभी ड्रम के आवाज पर ध्यान देंगे। ड्रम बजने लगा। पीटी टीचर ने अपने दोनों हाथ हवा में किसी पंछी की तरह ऊपर नीचे किए और ड्रम के इंस्ट्रक्ट होते ही सर ने अपने सर के ऊपर ताली बजाई। सभी शुरू करो। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ड्रम अचानक स्पीड में बजने लगा। उसी तरह बच्चे जोर से अपने हाथ हवा में उड़ाने लगे। बंटी तो बीच में रुक गया। सर के देखते ही बंटी फिर से शुरू हो गया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को देखकर जिद पर कसरत कर रहे थे। काफी देर तक पीटी कसरत चली, फिर ड्रम बंद हुआ। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों ने काफी अच्छा किया।